नमस्कार, अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेंटल पीस की तलाश कर रहे हैं तो नामेरी ज़रूर आइए। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो नामेरी इज़ द बेस्ट प्लेस। भीड़ से दूर एकांत में जाकर बसा है ये खूबसूरत नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क असम के शोनितपुर ज़िले में है। नदी के पार घने जंगलों और हरे मैदानों से गिरा नामेरी बेहद ही खूबसूरत है, जिसे इको नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इको लाइफ का लुफ्त उठाना चाहते हैं तो एक बार नामेरी ज़रूर आइए। इस पार्क में 500 से ज़्यादा जानवरों और 300 से अधिक पक्षियों की प्रजाति मौजूद है। सैकड़ों तरह के पौधों की प्रजातियां भी आपको नामेरी में ही देखने को मिलेगी, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब मैं आपको नामेरी नेशनल पार्क के मोस्ट एक्साइटेड मोमेंट यानी बर्ड वॉचिंग के बारे में बताने जा रही हूँ, जो इस पार्क का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। नामेरी नेशनल पार्क का सबसे लविंग पार्ट है बर्ड वॉचिंग। बर्ड लवर के लिए तो ये एक डेस्टिनेशन स्पॉट है। करीब 300 तरह की वैरायटियों के पक्षियों का घर है नामेरी नेशनल पार्क। साइकोलॉजिस्ट की माने तो बर्ड वॉचिंग करने से दिल और दिमाग को शांति मिलती है, और जो लोग अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं उन्हें बर्ड वॉचिंग करने के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। अगर आप घूमने निकले हो, कुछ एडवेंचर नहीं किया तो मज़ा अधूरा रह जाता है। नामेरी नेशनल पार्क में आप राफ्टिंग करके अपने ट्रिप को और मज़ेदार बना सकते हैं। राफ्टिंग फुल ऑफ एडवेंचर से भरा रहता है। पानी की ऊंची नीची लहरों में बोट से झूलते हुए जाने का अनुभव अलग ही होता है। ऊंची ऊंची लहरें जब पूरे फ्लो के साथ आपकी तरफ आती है तो एक पल के लिए आप सब कुछ भूल जाते हैं। राफ्टिंग एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको डेयरिंग भी बनाती है, तो जीवन में इस तरह का अनुभव लेते रहना चाहिए ताकि लाइफ पूरे रंगों से भरा रहे।